अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 13 यानी इंट्रोडक्शन 1350 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस स्टैट्स। देखें जी, बुक थोड़ी सी टफ है, ट्रिकी है, आपने इसको लाजमी करना है, अच्छे से करना है। मैं ऑटम की असाइनमेंट की बात करने लगा हूँ, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में क्या फ़र्क होता है। बड़ा आसान सा डिफरेंस है, प्राइमरी डेटा जो होता है वो रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, वो जो सेकेंडरी होता है वो किसी बंदे ने इकट्ठा किया होता है। ये यूनिक इंफॉर्मेशन होती है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही होती है, ये एडजस्टेड नहीं होती, ये एडजस्ट करनी पड़ती है, नीड एडजस्टमेंट टू सूट द एक्चुअल एम, यानी इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स और ये बाकी कुछ इसके डिफरेंसेस हैं। अच्छा, आप इस बुक की क्लासेस जो हैं वो भी ले सकते हैं और असाइनमेंट्स जो हैं वो भी ले सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं और इसकी असाइनमेंट्स भी आप हमसे ले सकते हैं। जो असाइनमेंट की फीस है जी वो है ₹150 ईच, और जो क्लासेस हम देते हैं पूरा कोर्स ₹3200 में आपको करवाते हैं, तो आप हमसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल एक व्हाट्सएप करना है आपको इस नंबर पे 0335190019 पे, तो इंशाल्लाह हम साथ ही आपसे कनेक्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल में क्या फ़र्क होता है? देखें जी, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है ना, वो ब्रांच होती है जो के डिस्क्राइब करती है डेटा को, और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन के बारे में डिसीजन करवाती है। उसके बाद ये ऑर्गेनाइज, एनालाइज और प्रेजेंट करती है, और वो कंपेयर, टेस्ट और प्रिडिक्शन, बेसिक वो प्रिडिक्शन करती है। इसमें ग्राफ्स, चार्ट्स और टेबल होते हैं, इसमें प्रोबेबिलिटी होती है ज़्यादातर, या हाइपोथेसिस होते हैं। यूजेज टू डिस्क्राइब द सिचुएशन, और ये प्रिडिक्ट द फ्यूचर, ये फ्यूचर की प्रिडिक्शन के लिए होती है। फंक्शन, तो ये इसके फंक्शंस मैंने बताए हैं, तो आप इस बुक की क्लासेस और उनके लिए रब्ता कर सकते हैं। बाकी असाइनमेंट भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो आप जो है वो भी ले सकते हैं और अवेलेबल है। कोई और कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा 1350 का जो हल्का सा फर्स्ट क्वेश्चन।